अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.6 करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसे क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 2 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पॉइंट लगा लें, 0 कर लें, पेयर बन गया इसका फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, माइनस कर दे, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 इसमें ऐड कर दो तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2। नेक्स्ट पेयर जो है उसको नीचे उतारो, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पर ऊपर पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। 2 के साथ अब ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे हम लोग, 2 के साथ अगर 4 लगाएं और फिर उसको 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 1 कैरी में चला गया, 4 2 8 और 9, ठीक है। 4 लगा लेंगे यहाँ, 96 आ जाएगा, माइनस यहाँ 10 बन जाएगा और पीछे 9 रह जाएगा, 10 में से 6 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ 9 में से 9 माइनस कर दोगे तो 0। नेक्स्ट पेयर जो है उसको नीचे उतार लें, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था, जब 4 ऐड करोगे तो यहाँ 4 4 8 और 2, 28 और यहाँ 400 है। तो क्या लगाओगे अब आप लोग, 28 के साथ अगर हम लोग 2 लगा लें और 2 के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 2 8 16, 1 कैरी में, 2 2 4 और 5, वैल्यू एक्सीड कर गई तो इट मींस 1 लगाएंगे, 2 81, ठीक है। 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9, यहाँ हमारे पास 9 था, 9 में से 8 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पीछे क्या रहेगा सर, 3 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। जब हम लोग यहाँ हम क्या ऐड करेंगे, 1 लगाया था तो 1 को ऐड भी कर देंगे, 1 में 1 ऐड किया, 2 8 और 2। नेक्स्ट फेयर जो है उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब 282 के साथ हम लोग कौन सा नंबर लगाएंगे कि हमारे पास या तो ये वैल्यू आ जाए या इससे कम। 282 के साथ अगर 4 लगाएं, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 1 कैरी में चला गया, 4 2 8 और 9, 4 8 32, 3 कैरी में चला गया, 4 2 8 और 8 में जब हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11। यहाँ लगा देंगे हम लोग 4, ठीक है, और यहाँ भी 4, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1 1 2 9 6। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो 4, पीछे 9 ही रह गया था, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ हमारे पास रह गया था 8, 8 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 का जो था वो स्क्वायर रूट फाइंड करना था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ देखिए, हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट कर लिया, तो ये जो वैल्यूज नीचे रह गई ये एज इट इज़ आगे आगे चलती जाएंगी। तो इट मीन्स अगर 2 का हम लोग स्क्वायर रूट देखें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक 2 का हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट कर लिया है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, जिसमें आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप लोग एज इट इज़ इसको सॉल्व करोगे, मुश्किल नहीं है। जैसे आप लोगों को पार्ट 1 सॉल्व करके मैंने बताया है, एज इट इज़ आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस, वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है। ये बन गए आपके, लगा लें इसको, 1 को 1 के साथ किया, 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो 2, 1 जब ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट पेयर जो है उसको ना आप नीचे उतार लें, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाओगे,
कि आंसर जो है वो या तो 260 आए या 260 से लेस आए। 2 के साथ अगर हम लोग 8 लगा लें, यहाँ भी 8 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 8 8 64 लगेगा, 6 कैरी पे चला जाएगा, ठीक है। 8 2 16 16 पे जब आप लोग 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। जब हम लोग यहाँ 8 लगाएंगे और यहाँ भी फिर इसके 8 2 24, ठीक है। 10 में से आप लोग 4 माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, 6। 5 में से 2 माइनस कर दोगे तो 3। नेक्स्ट पेयर जो है उसको नीचे उतार लें, ठीक है। यहाँ प्लस 8 ऐड कर दें क्योंकि हम लोगों ने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो उसी नंबर को ऐड करेंगे, 16 और ये 3 बन जाए 36, ठीक है। 36 के साथ अब क्या लगाएंगे हम लोग, 36 के साथ अगर 9 लगा दें, ठीक है, 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 1 और 8 कैरी के चला गया, 9 6 54, 9 3 36, 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, 33 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग 9 लगाएंगे और यहाँ भी 9, हमारे पास आंसर क्या आया था, 3 3 2 1। 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो 9, पीछे रिमेनिंग हमारे पास 9 बच गया था, 9 में से 2 माइनस कर दोगे आप 7, यहाँ हमारे पास क्या था 5, 5 में से 3 माइनस करोगे 2। नेक्स्ट पेयर जो है उसको नीचे उतार लें, जब इसमें प्लस 9 ऐड कर दें, 18, 1 कैरी में चले गए 7 और 3। हम लोग इसके साथ क्या सा नंबर लगाएंगे, 7 लगा लें इसके साथ, यहाँ देखें ज़रा, 3 7 8 7 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 4 कैरी में चला गया, 56 56 पे 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60, 6 कैरी में चला गया, 7 7 अगेन 49 49 और 6 50 और 55। उसके बाद देखिए 7 3 21, 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 5 0 9, ठीक है। और यहाँ भी 7 क्योंकि हम लोगों ने 7 के साथ इसको किया है। आगे देखें ज़रा, 10 में से 9 माइनस करोगे 1, पीछे 9 रह जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या था, 8 रह गया था, 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, अप टू 100 और ये एज इट इज़ आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए 3.6 का स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो देखिए ज़रा, 3.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.90। अब यहाँ देखिए मैंने आंसर 1.90 कैसे लिखा, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बनता था 1.89, लेकिन देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 है, इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके लिखा है, 1.89 में जब आप लोग 1 ऐड करोगे, 9 और 1 10, 1 कैरी में चला जाएगा, 8 और 1 9 पॉइंट और ये 1 आ जाएगा। तो ये समझ आ गई आपको कि यहाँ मैंने जो नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है ये राउंड ऑफ हो के लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने एज इट इज़ सॉल्व करने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर कीजिएगा, टेक केयर स्टूडेंट्स।